पिछले कुछ दिनों से जिले में लगातार तनाव की स्थिति बनी रहने के कारण आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने विशेष रूप से तैयारी की है। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों को बलवे की स्थिति में तैयार रहने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। पुलिस लाइन में आयोजित इस मॉक ड्रिल में विशेष रूप से क्रमबद्ध तरीके से बल प्रयोग और प्रभावी आक्रमण का प्रशिक्षण दिया गया। जानकारी में आगामी त्योहारों को लेकर के बलवा ड्रिल यहाँ पे आयोजित की गई थी और उसमें CSP साहब प्रभारी थे और जिस तरह से लोगों का रिहर्सल या ड्रिल है इसको लेकर के कि पहले टीयर गैस पार्टी, उसके बाद कैन पार्टी, फिर लाठी पार्टी, उसके बाद राइफल पार्टी होती है, उसके बाद रिजर्व पार्टी होती है। तो पूरी जो तैयारियां हैं हमारी, उन तैयारियों का जायजा लिया गया है। छोटी मोटी गलतियां हैं, उनको अभी हम ब्रीफ करेंगे। बाकी जो है, जो ओवरऑल प्रदर्शन हुआ है उससे हम संतुष्ट हैं और आपने भी देखा कि उसकी बाकायदा जो है हमने रिकॉर्डिंग भी करवाया हुआ है और ये चीज़ें जो है हम वरिष्ठ अधिकारियों की संज्ञान में लेकर के आएंगे। आगामी जो त्यौहार हैं, हमारे पास में पर्याप्त फोर्स है, पर्याप्त बल मिल रहा है हमको और जिस तरह से व्यवस्थाएँ लगाई जाती हैं वो व्यवस्थाएँ लगाई जाएंगी और उम्मीद है कि आगामी त्यौहार जो भी होंगे वो शांतिपूर्वक। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।